आपको टीचर ने लव लेटर लिखते हुए पकड़ लिया था? क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने लिखा था यू आर माय फर्स्ट एंड लास्ट हस्बैंड। क्या बात कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हिप्पो पोर्ट, पोटी करते ना पोर्ट में बैठते हैं। बिंगो खाओ छा जाओ। कॉमेडी अड्डा टू। देखो यार, मतलब एक्टर बनने के लिए ना एक्टिंग कोर्सेज होते हैं, सिंगर बनने के लिए सिंगिंग कोर्सेज होते हैं, और अगर टीवी शो होस्ट बनना हो तो मतलब क्या करे इंसान। पर ये रियलिटी शोज होते तो बड़े ही एंटरटेनिंग है। हमारे आज की पहली गेस्ट भी रियलिटी शोज की स्टार है। इनके डायलॉग्स इतने फनी है कि म्यूजिशियंस ने लिरिक्स छोड़ इनके रीमिक्सेस बनाने शुरू कर दिए। हमारे दूसरे गेस्ट एक म्यूजिशियन और सिंगर है, पर इनके सामने सावधान रहना, अगर आपका कोई भी डायलॉग इन्हें पसंद आ गया तो ये उस पे ही रिमिक्स बना देंगे। ये जो भी धुन बनाते हैं वो इतना वायरल होता है कि पूरे इंटरनेट को काम पे लगा देता है। प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड यशराज मुखाटे एंड द वेरी बिंदास शहनाज गिल। शहनाज आपके क्या करूं मैं मर जाऊं इस डायलॉग में इतना फ्रस्ट्रेशन भरा था। दुनिया भर के लोग इस पे भांगड़ा करेंगे, इंटरनेट पे मीम्स बनेंगे, क्या आपने कभी सोचा था? नहीं, ये सब इनकी देन है यार। ये आप देखो, आप अभी भी जैसे बोल रही है, आप कैसे इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी पे कुछ ना बनाओ। बट यश, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको हर एक इंसान की आवाज में धुन सुनाई देती है, जैसे शहनाज की आवाज में आपको ढोल सुनाई देते हैं। वैसे मेरी आवाज में क्या सुनाई देता है भाई? आपकी आवाज में जब भी आपको देखता हूँ मुझे पता नहीं चू चा सुनाई देता। सेम मुझे भी। पर शहनाज, आपके साथ कभी ऐसे हुआ बचपन में, जैसे मम्मी पापा ने मतलब रिश्तेदार आए थे एकदम बीच में जाके खड़ा करता कि चलो बेटा? अरे नहीं, उन्होंने कभी मेरे को बीच में जाके खड़ा होने के लिए नहीं बोला, हमें तो छित्तर पड़ते थे, बट मैं खुद ही जाके खड़ी हो जाती। क्योंकि मुझे क्या होता है ना कि अगर तुम दोनों भी बात कर रहे हो, मुझे होगा कि मैं मेरी का बात कब होगी, मेरी तरफ कब देखेगी। मैंने सुना है कि आपको टीचर ने लव लेटर लिखते हुए पकड़ लिया था एक बारी, वो क्या स्टोरी है यार? क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने लिखा था यू आर माय फर्स्ट एंड लास्ट हस्बैंड। बचपना अच्छा था, बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा था। तो जब आप बड़े हुए तो उनसे कभी बात हुई वापस? नहीं, मैं स्टार बन गई। और वो किसी के हस्बैंड है अभी? अरे मुझे क्या पता, मैंने कभी देखा ही नहीं उसको। तो बात बताओ, अगर स्कूल की बात करें, आपकी कभी लड़ाई वगैरह हुई है स्कूल में? मतलब अरे मैंने एक लड़की को बहुत पीटा था स्कूल में। अच्छा, तो मैंने काफी पीटा और उसके मुंह पे वो आई एम सो सॉरी भगवान, मेरे से अभी कभी गलती मत करा, वो बचपने में हो गया। तो वो उसने जाके दिखाया प्रिंसिपल ने, ये वो पापा को फोन गया कि आपकी लड़की ने ये हरकत की है, हम इसको सस्पेंड करने वाले हैं। तो पापा ने बोला कि बात कराओ मेरी। तो पापा कहते क्या रीजन, मेरे को रीजन जानना है क्या हुआ। मैं कहा पापा मेरे को बहुत मतलब इंसल्ट करती थी और मेरे बारे में गलत गलत बातें बोलती थी जाके, तो मैंने इसलिए पीटा। पापा कहते एक काम कर, थोड़ा सा और पीट के आ। पापा भी शहनाज के पापा है ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहते गलत है ना ये तो गलत बात है किसी को फालतू में ऐसे बोलना, तो वो चीजें गलत है, बट ठीक है बचपने में हो जाए, पापा भी बच्चे ही थे तब। शहनाज और यश, आप दोनों से सवाल है कि आपकी लाइफ का सबसे टेढ़ा मोमेंट क्या था? बस मैंने बिंगो खा लिए थे। अब रोज ही खाती हूँ। सच्ची यार, आई लव बिंगो। बिंगो बहुत अच्छे हैं,
मैं जितनी मर्जी डाइटिंग कर लूं बिंगो साथ में जरूर रखती हूं। अरे वाह क्या बात है। लेट्स प्ले विद बिंगो। क्या बात है शहनाज, आपका इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यार, बताओ यार मतलब कैसे मैनेज किया? मैं ना अभी ये बोल के ट्रांसफॉर्मेशन ना थक चुकी हूँ, मेरे को इतनी नजर लग गई है। हफ्ता भर कंट्रोल करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा खाती हूँ, पेट निकल आता है। मेरा तो बिना खाते हुए भी निकल आता है। पता क्या है, ये बॉडी जो है ना साथ नहीं देती, ये अपनी भी सकी नहीं है। अब कहते थे पंजाब में जाके मोटे होते, मैं तो वड़ा पाव खा के मुंबई में भी पेट निकल आता है। देखो कितनी बार बोला पेट निकल आता है। कितना इंटरेस्टिंग लाइन, इस पे गाना बनाए क्या? प्लीज अभी बनाना है? हाँ अभी बनाते हैं। वाओ स्टार प्लस, बजट सही है। बहुत सही है। हाँ तो क्या बोला था आपने? मैं पूरा हफ्ता कंट्रोल करती हूँ, फिर थोड़ा सा खाती हूँ, पेट निकल ही आता है। पेट निकल ही आता है। पेट निकल ही आता है। वाओ पेट निकल ही आता है। और आप क्या क्या करते हो हफ्ते में? आलू के पराठे, मक्खन, देसी घी सब छोड़ दिया, फिर भी पेट निकल ही आता है। पेट निकल ही आता है। कहते थे पंजाब में रह के मोटे हो जाते हैं। अच्छा, कहते थे कि पंजाब में रह के मोटे हो जाते हैं। मैं मुंबई में रह के बड़ा खाओ खा के भी पेट निकल ही आता है। पेट निकल ही आता है। ब्लोटिंग हो ही जाती है। पेट निकल ही आता है। पेट निकल ही आता है। तेरा मेरा इसका सबका प्रॉब्लम है। पेट निकल ही आता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कितने लोगों के गाना सुनने के बाद पेट निकल ही आएगा। अब वक्त है चिल करने का, तो लेट्स गो टू द बिंगो चिल जोन एंड एंजॉय सम बिंगो हैशटैग्स, क्योंकि हमें एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं रवि गुप्ता विद हिज ओरिजिनल स्टाइल स्टैंड अप। हेलो हेलो हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। माय नेम इज रवि गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम यूपी, और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ लगभग 10 साल से। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, लोगों को लगता है कि दिल्ली में लोग बहुत ज़्यादा रूड हैं, बहुत एरोगेंट हैं, लोगों में बात करने की तमीज़ नहीं। मैं उन सबसे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि एक बार यूपी जाओ तुम, और जब तुम वहाँ से वापस आओगे तुम्हें दिल्ली वाले क्यूट लगेंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप यूपी जाओ और वहाँ न्यूज़पेपर उठा के देख लो, अजीब और घटिया टाइप की न्यूज़ छपी हुई है। आप पहला पेज पलटते हो उसमें लिखा हो कि 5 बच्चों की माँ प्रेमी के संग फुर्र। आप अगला पेज पलटते हो उसमें लिखा हुआ है कि पार्क में रंगरलियाँ मना रहे कपल को कुत्ते ने दौड़ाया। हाँ, और एक पेज रहेगा जिसमें अजीबोगरीब ऐड रहेंगे, लाइक खोई हुई शक्तियाँ वापस पाएं, मर्दाना कमजोरी। एक सेकंड के लिए तुम्हें लगेगा कि गरीबी भूखमरी ये सब फालतू की चीजें, दुनिया की असली समस्या गुप्त रोग है, ये ठीक होनी ज्यादा जरूरी है। आप टीवी देख लो, उसमें एक बंदा बोले सर्दियों में कम आते हैं तलाक के मुकदमे। अभी भी टीवी पे एक टेल ब्रांड के ऐड आते हैं, तो उसमें क्या होता है, अंग्रेज लोग हैं उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, और वह हिंदी में डब करके आ रहा कि दोस्तों पहले बहुत परेशान रहा करता था क्योंकि मैं बहुत काला था, पड़ोसी मुझे काला कौवा कह के बुलाते थे, मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती थी, ऑटो वाले मुझे बिठाते नहीं थे, कहते तुम कलर छोड़ते। फिर मैंने ये फलानी क्रीम का इस्तेमाल किया जिसने मेरे जीवन में धमाका ला दिया, अब मेरे चेहरे पे एक रौनक सी, मेरी बीवी मुझसे प्यार करने लगी, पड़ोसी उससे पूछते हैं कि भाभी वो काला कौवा मर गया क्या। ये चीजें चल रही हैं हमारे देश में, और हम इतने नल्ले हैं, नल्ले क्यों हैं कि हम दिन भर बैठ कर देख रहे हैं कि सब्जी कैसे काटी जा रही है 13 तरीके से। वरुण भाई मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक जा रहा था पार्क के पास,
तो वो थोड़ा सा ना सीढ़ियां ऊपर चढ़ के था, थोड़ा ऊंचाई पे पार्क था, और वहां पर दीवार पे लिखा हुआ था यहाँ पर बैठकर चाट पकौड़ी खाना मना है। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा अंदर गया और वहां लिखा था यहाँ पर बैठकर पिज्जा बर्गर खाना मना। मुझे लगा यहाँ चाट पकौड़ी खा सकते। मुझे लगता है ना कि वो जो बंदा कलर कर रहा था उसके पास कलर बच गया था बस, और वो बस यूज कर रहा था, उसको पेंट यूज करने थे। वो कुछ भी लिख रहा है, दीवार पे लिख रहा है कि दीवार पे चढ़ के कूदे नहीं मर जाएंगे। एक जगह लिखा कृपया केले का छिलका एक दूसरे के ऊपर ना फेंके। यह आइडिया दे रहा था। हमारे देश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे मैं कैब बुक करी थी, कैब वाले का मैसेज आ रहा है कि आ जाओ। मैंने बोला मैं बोल रहे हाँ। मैंने बोला कहाँ, बोला लोकेशन पे आ जाओ। मैंने बोला मैं लोकेशन पे ही हूं, तो बोले जहां कैब है उस लोकेशन पे आ जाओ। और आप देखो कैब वाला, कोई भी कैब वाला अपनी खुशी से कैब नहीं चला रहा, उसकी कोई तो मजबूरी है। वो अपनी राम कहानी बताएगा तुम्हें कि साहब मैं तो पायलट बनना चाह रहा था, मेरे को हवाई जहाज उड़ाने का बहुत शौक था, पर किस्मत ने मुझे ड्राइवर बना दिया, पर अब मैं गाड़ियां उड़ा रहा हूं। कल 3 ऑटो मैंने हवा में उड़ा दी। थैंक यू सो मच गाइज, माई नेम इज रवि गुप्ता, यू गाइज आर लवली ऑडियंस। थैंक यू सो मच। अब पाजी, अब अपन अपनी नेक्स्ट सेगमेंट है बोइंग। भाई एक मिनट यार, जरा देखना यार, चल नहीं रहा। एक मिनट ऐसे पकड़ लेना। चाबी है नहीं इसका, वो ऐसी स्टार्ट, इसका स्टैंड खराब हो गया है। इधर एक मैकेनिक का लेकर आऊं क्या, थोड़ा सा पकड़ोगे क्या? हां मैं लेकर आऊंगा। उदय कौन से मैकेनिक है ना? एक भाई ये लाइट हां चोरी की गाड़ी। हां कितने गैंग के मेंबर है? अरे सर हमारा कोई गैंग नहीं है। आप वो बोलते हो हमने क्लासेस से अभी जस्ट निकले, आप पूछ लो ना। बेवकूफ समझते क्या? अरे सर, पुलिस को बेवकूफ समझता है? अरे नहीं सर, ये सब धंधा कभी से चल रहा है ये मेरे को बता दो। क्यों करूँ आप लोग यहाँ बेचते हो? ये भैया तो यही है, यही है। गाड़ी आपकी? मेरा नहीं है, इनका ही है। मैं जॉगिंग कर रहा हूँ भाई, मेरा गाड़ी यही नहीं है। अच्छा इधर सीसीटीवी कैमरा होगा सर, आपको पूरा क्लियर। सर सीसीटीवी बाद में करो सर, पहले लेकर जाओ। अभी कंप्लेंट भी किया हुआ है। गाड़ी तक बेटा कर दो, कान पकड़ इन, पूरा बैठ, पूरा बैठ। चोरी करते हो डर नहीं लगता? ये देखो अभी ये भी चोरी करते हो डर नहीं लगता? एक मिनट, देखा लो बॉइंग हो गया आपका। आपको जो भी कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में आके बोल ले। एक मिनट देखिए सामने कैमरा हमारा मेरा बिंगो खाओ छा जाओ। अब जो अगला गेम है वो शहनाज के लिए है। आप इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो, समझ ही नहीं आता आप कब क्या कर दोगे। तो अब मैं आपको कुछ सिचुएशन सुनाऊंगा और आपको बताना है आप क्या करोगे। जस्टिन बीबर आपको पंजाबी में आई लव यू बोले तो क्या कहोगे? आई विल से आई एम गोइंग टू बुक योर टिकट बेबी एंड नाउ यू हैव टू लीव योर हेली बीबर एक्स एंड कम सिंग फॉर मी एंड आई विल सिंग फॉर यू, लेट्स चिल, लेट्स रोमांस। अगली सिचुएशन है कि अगर आपको इनमें से एक चीज गिव अप करनी होगी तो वो कौन सी होगी, पंजाब का खाना या पंजाब के गाने? हाय ये तो बहुत ही औखा है। एक बात बोलूं, बिल्कुल भी टफ नहीं है क्योंकि पंजाब का खाना तो मैं छोड़ ही चुकी हूँ, पंजाब के गाने नहीं मैं छोड़ सकती। सही बात है, बट क्या बात है, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट डियर शहनाज, माय गॉड। बिंगो खाओ छा जाओ। वाओ, चलिए आपसे बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें हो गई, अब आपको बस मेरी अधूरी बातों को पूरा करना है। दिस साउंड्स वेरी रोमांटिक पर है नहीं। अच्छा ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हम स्कूल में करते थे, यहाँ पे होंगी फिल इन द बातें।
सो रेडी यश, आपका पहला लाइन है कि मैं डैश को बहुत स्टॉक करता हूँ. मुझे पता है किसको स्टॉक करता. किसको? बोलूं? नौरा फतेही. करेक्ट. मैं नौरा फतेही को बहुत स्टॉक करता हूँ. मर जाऊंगा पर कभी डैश नहीं करूंगा. मैं मर जाऊंगा पर टीवी पे कभी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं करूंगा. आ गई है बारी मैडम जी आपकी. तो आपको भी सेम चीज करनी है. तो पहला फिल्म दबाते हैं कि ये इंडस्ट्री सिर्फ तीन चीजों से चलती है. डैश डैश और डैश. एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. और शहनाज गिल एंटरटेनमेंट की क्वीन है. अगर मैं एक्टर नहीं होती तो डैश होती. अगर मैं एक्टर ना होती तो मैं डैश ही होती. तो अब हम खेलेंगे एक गेम जिसमें लगता है हेडफोन, जिसका नाम है कहा सुनी. गेम यार बहुत ज्यादा सिंपल है. ठीक है, एक प्लेयर के कानों पे होंगे हेडफोन, उसमें बज रहे होंगे जोरदार गाने. दूसरा जो प्लेयर है उसके हाथ में होगा क्यू कार्ड, उसमें लिखी होगी एक लाइन. दूसरा प्लेयर वो लाइन बोलेगा. हेडफोन वाला प्लेयर है उसको वो गेस करना है कि वो लाइन क्या है. आपका टाइम शुरू होता है अब. कहां जा रहे हो? हिप्पोपोटमस. हिप्पोपोटमस. हिप्पो हिप्पो हिप्पो. थोड़ा दूर से वो पकड़ लेगा. पोटी करते ना, पोट में बैठते हैं. पोटी पोटी. पोट हिप्पो पस. हिप्पो हिप्पो हिप्पोट. हिप्पोपोटमस. या बेबी के साथ घूमने. कहां जा रहे हो? हिप्पोपोटमस के साथ घूमने. कहां जा रहे हो? हिप्पोपोटमस को चूमने. हिप्पोपोटमस के साथ घूमने. कहां जा रहे हो? हिप्पोपोटमस के साथ घूमने. हाँ, वेरी नाइस. नहीं नहीं अभी और है, और है. डाई करने की उम्र में लड़ाई करने निकला है. डाई दाढ़ी. बुड्ढा हो गया. बुड्ढा हो गया. हाँ, तो डाई करते ना बाल को. दाढ़ी करते हैं. डाई डाई. पीछे पीछे. कलर. पीछे पीछे पीछे. मर. डाई 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 डाई. हाँ. करने की उम्र में लंगड़ी लगी उबर में. करना करना करना. डाय निकल रही थी. अबे नहीं निकल रही थी. डाय लग रही थी. करने की. करने. लर. कर. डर. का. कर. करने की. डाय कर रही. करने. 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 हाँ. डाय करने की. की थी. की. ई. चाबी. चाबी की. डाय करने की. उमर. 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 में. डाय करने की उम्र में लड़ाई कर रहे हो. डाई करने की उम्र में लड़ाई कर रहे हो. करने निकले हैं. डाई करने की उम्र में लड़ाई करने निकली है. बड़ा स्ट्रेसफुल गेम है ये तो. क्या बात है. वेल डन. आ गई है आपकी बारी. गो फॉर इट यार यश. मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ. पहला वर्ड. मैं मैं तुम्हारे बच्चे की माँ. मैं तुम्हारे माँ की बच्ची. नहीं. मैं तुम्हारे माँ की. नहीं नहीं नहीं. मैं तुम्हारे बच्चे की. बच्चे की माँ बनने वाली हूँ. मामी. माँ बनने. माँ बनने. बनने वाली. वाली हूँ. सुबह से ना ही एक आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा. बताओ. सुबह से सुभाष. नहीं. सुबह हाँ. ना ही एक. सुबह से ना ही एक आलू बिका है. भाई बहुत ज़्यादा. सुबह से एक आलू भी नहीं खाया. नहीं नहीं नहीं. आलू. आलू है. है, 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 है. है. हाँ. आलू है. हाँ. सुबह से आलू है. बहुत हार्ड. एक एक करते हैं. रुको. एक आलू आलू बिका है. बिका रहा. बिका है. बिका है. सुबह से एक भी आलू नहीं बिका.
और नहीं नहीं आधा कांदा आधा नहीं कटेगा आधा काटा नहीं काटा आधा कांदा और कांदा सुबह से ना ही आलू बिका है ना ही आधा कांदा तुसी तो बड़े बोइंग हो पहला वर्ड मुंह खोला तुसी तो क्या तुसी तुझे तुसी चुस्ती तुसी तुसी तो बड़े तुसी तो बड़े तुसी तो तुसी तो बड़े ग्रेट बड़े 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 बोइंग बोल्ड बोइंग बोल बोइंग बोले कट करके बताओ बोल्ड कट करके बताओ बो रिंग ग बो रिंग ग तो बीच वाला नहीं बीच वाला बो हाँ री इधर देख बो रिंग ग बो रिंग री ग ग हाँ तो इसको और इसको जोड़ना है र को नहीं बोइंग तुसी तुसी तो बड़े बोइंग हो बिंगो खाओ चा जाओ क्या बात है यशराज एंड शहनाज अगर आपको आज के हमारे इस एपिसोड को एक हैशटैग देना होता तो वो हैशटैग क्या होता वो होगा हैशटैग बॉइंग हैशटैग शहराज वाह विद बिंगो नाइस नाइस और मेरा हैशटैग वही होगा जो मैं हर एपिसोड में कहता हूँ दैट हैशटैग इट्स ट्रेंडिंग नौरा फतेही क्या बुलाती है बाबू तुम तो बड़े बोइंग हो दुष्ट हो नष्ट पुष्ट हाँ छोटा हाथी बिंगो खाओ चा जाओ